जिला मुजफ्फरनगर के कस्बा छपार में नेशनल हाईवे पर स्थित परचून की दुकान में बीती रात्रि नकब लगाकर लाखों रुपए की कीमत का सामान तथा दुकान में रखी हजारों रुपए की नकदी चोरी कर ली। सुबह सवेरे जब दुकानदार ने दुकान खोली तो उसने दुकान में लगे नकब को देखा तो उसके होश उड़ गए। दुकानदार ने घटना की जानकारी छपार पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी गहनता से छानबीन, परंतु कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने पड़ोस की दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, मगर कोई सुराग नहीं मिला। मौके पर फॉरेंसिक टीम ने डॉग स्क्वाड के साथ पहुंचकर बारीकी से जांच की तथा डॉग ने मौके से सूंघ ली तथा पड़ोस की दुकान पर जाकर रुक गया। लगभग डेढ़ वर्ष पूर्व भी इसी दुकान में नकब लगाकर लाखों रुपए की चोरी हुई थी। इसी बीच घटना स्थल पर व्यापारियों के बीच पहुंचे भाक्यू के पुरकाजी ब्लॉक अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने नाराजगी दिखाते हुए पुलिस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि जिस दुकान में चोरी की घटना हुई है वहीं पर पुलिस तैनात रहती है, फिर भी ऐसी घटना होना पुलिस के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली से शुद्ध बुद्ध होकर आगामी 17 अगस्त से आंदोलन करने की चेतावनी भी दी। वही छपार कोतवाली प्रभारी निरीक्षक पवन कुमार शर्मा ने बताया कि कुछ महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिले हैं तथा कुछ संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है। शीघ्र घटना का खुलासा कर दिया जाएगा। देखिए ये मामला है, यहाँ छपार कस्बा है, थाना इसमें पड़ता है। बड़े ताज्जुब की बात है, मैं रोज जो है ना कम से कम 3 बार पुलिस की शायद हमारी बात सुनी होगी। यहाँ जो ग्रामवासी आते हैं मोटरसाइकिल पर या अपने जो है ना दूध लेन कोई सब्जी लेन उनके चलान हो रही, लेकिन इसके नीचे ये सामने की खड़ी पुलिस टिकट यहाँ लग रही है और ये बराबर में दुकानें और दुकान पड़ रही। ताज्जुब की बात है, एक साल में दो बार चोरी होगी। मेरी एक दिन SPCT साहब से बात हुई थी, CO साहब से बात हुई थी। एक दिन जो है ना अभी 17 तारीख में मैं इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाऊंगा पूरे जिले के थानों में। जो हमारी हाईकमान ने कह रखा है कि पूरे जिले के थानों में बहुत बड़े धरने प्रदर्शन ये 17 तारीख में होगा। यहाँ इतनी बड़ी गुंडागर्दी, इतनी बड़ी अनियमितता पुलिस के द्वारा चले जा रही कि जो कस्बे के लोग हैं जो सब्जी बेच देखना रे, दूध लेना रे, अपने बच्चों को लेना रे, कि आदमी जंगल में जा रहा बार बार हेलमेट या जो है ना वो कहाँ तो लेगा होगा, लेकिन इन लोगों के द्वारा खुलेआम यहाँ एक दरोगा जी थे शौकीन, एक दिन मैंने उन्होंने कहा खुलेआम एक 1500 रुपये लिए जा रहे। तो मैं उस दिन जो है ना यहाँ से 17 तारीख में इस मुद्दे को जो है प्रमुखता से उठाऊंगा। और बड़े तज्जुब में बात है भाई, देखो कमाल भाई, वहाँ से उन्होंने थोड़े तक पीछे जो वो किया है, इसमें दीवार तोड़ी है, कोई खड़का भी होगा। जब पुलिस इतनी अलर्ट है कि भाग कर। नाम राजेंद्र कुमार है जी, छपरे का रहने वाला है। राजेंद्र क्या मामला हुआ आपके साथ? जी कल जन्माष्टमी का त्यौहार था जी, मैं शाम तक दुकानदारी करी। शाम के टाइम दुकान का शटर डालने के बाद में मैं घर पहुंच गया। सुबह ही आकर देखा तो दुकान में जो बीड़ी गुटखा जो भी मतलब सामान था वो सब निकला हुआ। आपके अनुमान से कितने रुपये की चोरी हुई होगी? चोरी होगी 2 लाख के आसपास की। नकदी भी चोरी हुई है? हाँ, नकदी में जो खरीद थी कुछ सिक्के थे 10-10 के, कुछ कल की दुकानदारी थी। लगभग कितनी नकदी होगी? होंगे जी लगभग 15-20 हज़ार रुपये। इससे पहले भी आपके यहाँ चोरी हुई है क्या? उसमें क्या कोई आपके कोई केस जो चल रहा है, कोई मुलजिम पकड़ा गया? नहीं जी, कोई नहीं पकड़ा गया। और 1.5 साल के आसपास हुआ और उसमें ही मेरे कोई तारीख लग रही, मेरे कोई मुकदमा लग रहा, मेरे ही वारंट कट रहे। किस चीज़ के लेकर? उसके ही जो मैंने FIR करी थी। अब पुलिस क्या कह रही है? पुलिस तो ये कह रही है, पुलिस आकर बता दें कि इस तारीख पर आप कचहरी चले जाइए, आपकी तारीख है। अब क्या चाहते हो आप? अब तो मैं ये चाह रहा जी, मेरा पिछला भी और यो भी दोनों का मगा केस खुला, तो मैं तो ये चाह रहा जी। अब क्या सामान ले गए? अब तो ज़्यादातर बीड़ी और गुटखा है जी।